बच्चों, आपने है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पढ़ा। अब है उनका दूसरा भाषण, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो अक्सर उनका मानना था कि लोग उनसे पूछते हैं कि वो जातियों के विरुद्ध हैं, ठीक है, तब समाज कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उनका उत्तर था कि उनका समाज क्या है, स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व पर आधारित हो, ठीक है। तो उन्होंने तीनों की अलग अलग व्याख्या की है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा, ठीक है, यानी आपस में सहिष्णुता होनी चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी समाज में जो भी परिवर्तन हो, वो समाज के एक छोर से दूसरे छोर पर संचारित हो। तो बहुविध के हितों में, यानी ज़्यादातर लोगों के हितों में सबका भाग होना चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। और जीवन में जो आपस में संपर्क स्थापित करने के साधन हैं और अवसर उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। बच्चों, मैं फिर से समझा रही हूँ उसे, ठीक है। तो जब ये पूछा गया कि मेरी कल्पना का, उनका कहना था कि जब वो जाति प्रथा के विरुद्ध हैं तो लोग अक्सर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि वो उन्होंने कैसे समाज की कल्पना की है। तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि उनकी कल्पना में का आदर्श समाज स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व की भावना पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने एक एक की व्याख्या की। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा, ठीक है। तो समाज में सभी के प्रति, एक दूसरे के प्रति भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। तो भाईचारे से तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी समाज में कोई भी परिवर्तन हो, तो समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि वो परिवर्तन क्या है पूरे समाज में कुछ लोगों के लिए ना हो, कुछ लोग उससे लाभान्वित ना हो, बल्कि सभी को इसका लाभ मिले और परिवर्तन समाज के एक छोर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैले, ठीक है। सभी इससे लाभ प्राप्त करें और ये परिवर्तन समाज में एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँचे, ठीक है। बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, ठीक है। तो जो लोगों के बहुविध माने बहुत प्रकार से, जो लोगों की भलाई के जो भी कार्य हो रहे हैं उसमें सब लोगों को भाग लेना चाहिए, ठीक है। उनकी रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए, यदि कुछ लोगों को कुछ सुविधा दी जा रही है तो सभी लोगों को उसमें है शामिल होना चाहिए, सभी लोगों को क्या है उसकी रक्षा के लिए तत्पर होना चाहिए। तो सामाजिक जीवन में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे से है अनेक साधन उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे दूध और पानी होता है, वैसे ही क्या है ये भाईचारा भी है, ठीक है। जैसे दूध में पानी का मिश्रण क्या है आपस में मिल जाता है, वैसे ही क्या है समाज के लोगों को आपस में मिला हुआ होना चाहिए। समझ में आया? यानी कि भ्रातृत्व से तात्पर्य है कि समाज में भाईचारा होना चाहिए, यानी आपस में इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर समाज में कोई परिवर्तन हो तो उसमें गतिशीलता होनी चाहिए और ये परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक समान रूप से लागू होना चाहिए। और बहुविध के हितों में, यानी जिन लोगों के है, जो जिन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं उनमें है सबका सहयोग होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे दूध को पानी से मिला दिया जाता है, ठीक है, तो मिश्रण मिल जाता है, उसी तरह से क्या है भाईचारा भी है, यानी सबके हितों को,
सबका ध्यान रखना चाहिए, यही भाईचारा है। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। क्योंकि है लोकतंत्र क्या है? एक शासन पद्धति ही नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। ठीक है, यानी सबका सहयोग, सबका विकास, सबका एक साथ रहना, यही क्या है? भाईचारा है। और इसी का दूसरा नाम क्या? लोकतंत्र है। ठीक है, तो लेखक का कहना है कि लोकतंत्र क्या है? केवल एक शासन पद्धति ही नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र क्या है? केवल एक शासन पद्धति ही नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या की क्या है? एक नीति है। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक है कि सब इसमें शामिल हों, सब इसका पालन करें, सब अपने हैं साथियों को, ठीक है, साथियों को इसमें श्रद्धा का भाव हो, साथियों के प्रति इसमें श्रद्धा का भाव हो। ठीक है, समझ में आया? यानी भाईचारा अर्थात भ्रातृता, उसमें सभी को, सभी के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए, समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, जो समाज में परिवर्तन हो रहा है उस एक छोर से दूसरे छोर तक हो, यानी बहुविधि के हितों में सबका सहयोग होना चाहिए। और इसी तरह से जैसे दूध को पानी से मिला दिया जाता है, उसी तरह से क्या भाईचारा, यानी आपस में सब मिले होने चाहिए। अर्थात उदाहरण के लिए अगर किसी को कुछ सुविधाएं दी जाएं, तो वो व्यक्ति अन्य व्यक्ति क्या है उसे ईर्ष्या द्वेष और उसका विरोध ना करें, बल्कि उसको स्वीकार करें। ठीक है, तो यही लोकतंत्र है। तो इस तरह से लोकतंत्र एक शासन पद्धति ही नहीं, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या है। ठीक है, और इसके लिए आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा का भाव हो। ठीक है, फिर दूसरा है उनका कहना था उनका आदर्श समाज स्वतंत्रता पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता पर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। सभी लोग हैं जानते हैं कि उन्हें जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, गमनागमन यानी कहीं भी जाने आने की स्वाधीनता होनी चाहिए, और शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार और सामग्री का अधिकार भी होना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, स्वतंत्रता, दूसरा उनके आदर्श समाज में स्वतंत्रता। तो उनका कहना है कि स्वतंत्रता से किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती, सब व्यक्तियों को अपने जीवन व्यतीत करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जीविकोपार्जन यानी कमाई करने के लिए उपाय अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी जो भी चीज़ें आवश्यक हैं उनकी भी अर्थ स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर लेखक का कहना है कि मनुष्य की जब इतनी स्वतंत्रता है, तो मनुष्य को शक्ति से सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता क्यों ना प्रदान की जाए। ठीक है, यानी कि व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार क्या है कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे जीवन की शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति की अधिकार की स्वतंत्रता, ठीक है, रहती है, तो उसी तरह से मनुष्य को सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देनी चाहिए, यानी कि वो अपनी है
सुविधाओं के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार अपने कार्य को चुनने की उसके अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। तो उसे अपने व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो अगर उसे ये स्वतंत्रता नहीं है, कोई उसे इसके लिए बाध्य कर रहा है, तो उसका अर्थ क्या है? दासता है, ठीक है। तो व्यक्ति को किसी, चाहे माता पिता द्वारा, चाहे परिवार के द्वारा, चाहे समाज के द्वारा, अगर उसे बाध्य किया जाता है तो वो दासता कहलाती है। तो ये केवल कानूनी रूप से ही पराधीनता नहीं है, कानून ही पराधीनता ही दासता नहीं होती है, ठीक है। कानूनी रूप से स्वतंत्र है, परंतु कुछ व्यक्तियों द्वारा या कुछ समाज के कुछ नियमों द्वारा अगर व्यक्ति विवश होता है, ठीक है, तो इस स्थिति में कानूनी पराधीनता ना होते हुए भी क्या है, वो व्यक्ति क्या है, पराधीन है, ठीक है। तो जाति प्रथा क्या है, ऐसे ही लोगों को दासता के बंधन में है बांधती है, जहाँ कुछ लोगों की को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते। फिर से बच्चों मैं एक बार बता रही हूँ, दूसरा उनका है स्वतंत्रता, ठीक है। पहला आपको भ्रातृता समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या है, स्वतंत्रता बताया कि आदर्श समाज उनके लिए क्या है, स्वतंत्रता की भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो भ्रातृता में उनका कहना था कि समाज में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ठीक है। और भाईचारा का तात्पर्य यह है कि समाज में जो भी परिवर्तन हो, एक छोर से दूसरे छोर तक हो, और है समाज में गतिशीलता हो, सब लोग उसे स्वीकार करें, ठीक है, और है आपस में सहयोग करें, दूसरों के है हितों के लिए सम्मान और श्रद्धा की भावना होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी तरह का क्या विरोध नहीं होना चाहिए, और यही क्या है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र एक शासन पद्धति नहीं है, बल्कि सामूहिक दिनचर्या है, सामूहिक जीवनचर्या है, ठीक है। और है समाज के सम्मिलित रीत और अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है, ठीक है। तो इसीलिए आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखें। फिर उन्होंने बताया एक दूसरा तत्व क्या है, स्वतंत्रता। तो उनका कहना है कि सभी को है अपने जीवन जीने की, अपने है अनुसार क्या है, कहीं भी आने जाने की, अपने स्वास्थ्य की, ठीक है, अपने जीवन रक्षा की, सबके स्वतंत्रता मालूम प्राप्त है, ठीक है, सबको इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो मनुष्य को अपनी शक्ति और क्षमता के सही उपयोग की स्वतंत्रता क्यों नहीं होनी चाहिए, यानी जब व्यक्ति है स्वतंत्रता के अधिकार पर किसी को आपत्ति नहीं है, ठीक है, सबको है मालूम है कि क्या है कि सबको अपनी इच्छा अनुसार है कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जीव को उपार्जन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, साथ ही क्या है स्वतंत्रता है अपने स्वस्थ रहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो फिर व्यक्ति को अपने है शक्ति का सक्षम और प्रभावशाली उपयोग की स्वतंत्रता क्यों नहीं होनी चाहिए? तो व्यक्ति केवल है शारीरिक सुरक्षा पर, किसी को संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को क्या आपत्ति नहीं है, परंतु मनुष्य को क्या है प्रभावशाली अपनी स्वतंत्रता के या प्रभावशाली व सक्षम रूप से प्रयोग करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। अगर है व्यक्ति को यह स्वतंत्रता नहीं है, उसे इसको कार्य के लिए बाध्य किया जाता है, तो वो क्या है, दासता है। अगर ये कानूनी रूप से उसे बाध्य नहीं किया जा रहा है, तो दासता केवल कानूनी पराधीनता नहीं है, उसे कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा रहा, परंतु माता पिता द्वारा या किसी अन्य लोगों द्वारा उसे उस कार्य के लिए विवश किया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, दासता है, पराधीनता है। तो जाति प्रथा क्या है, मनुष्य को क्या है
ऐसे ही जाति प्रथा मनुष्य को क्या है, कानूनी पराधीनता ना होने पर भी जाति प्रथा क्या है, मनुष्य को दासता के बंधन पर बांधती है। जहाँ कुछ लोगों को, जहाँ अपनी इच्छा के अनुसार, जहाँ लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार ना चाहते हुए भी क्या है, पेशे या व्यवसाय को अपनाना पड़ता है, ठीक है।